नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के नए राज्यपाल ने आज लिया शपथ ग्रहण। जूनियर इंजीनियर के 6379 पदों पर नए सिरे से निकलेगा विज्ञापन। समीर माह से राज्य सरकार 1/4 खरीद स्थानीय वेंडरों से करेगी। अग्निवीर अन्य की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव के संबंध में अधिसूचना जारी। बीसीसीआई के प्रमुख चयनकर्ता चेतन शर्मा ने पद से दिया इस्तीफा। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के नए राज्यपाल ने आज लिया शपथ ग्रहण। आज पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा बिहार के नए राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को राजभवन के राजेंद्र मंडप में शपथ ग्रहण करवाया गया। यानी कि आज से उन्होंने बिहार के राज्यपाल के रूप में अपनी जिम्मेदारी को संभालने की शुरुआत कर दी है। बता दें कि इस दौरान राजभवन में बिहार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री समेत अन्य मंत्रीगण और लोग मौजूद रहे। वहीं राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर का पटना में स्वागत खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अन्य मंत्रियों के द्वारा किया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर बिहार के राज्यपाल बनने से पहले हिमाचल के राज्यपाल थे। यह गोवा सरकार में वन पर्यावरण मंत्री के साथ साथ पंचायती मंत्री भी रह चुके हैं। जूनियर इंजीनियर के 6379 पदों पर नए सिरे से निकलेगा विज्ञापन। पटना हाई कोर्ट के जस्टिस पीबी बजंत्री की खंडपीठ के द्वारा बिहार सरकार के विभिन्न विभागों के अंतर्गत जूनियर इंजीनियर के 6379 पदों पर बहाली के लिए अजय कुमार भारती की याचिका पर सुनवाई की गई। इस दौरान कोर्ट ने बिहार सरकार को निर्देश दिया कि जूनियर इंजीनियर की बहाली नियमों में परिवर्तन और नए सिरे से बहाली का विज्ञापन 4 माह में निकाला जाए, जिसके बाद अब बिहार सरकार के द्वारा जूनियर इंजीनियर के 6379 पदों पर बहाली करने के लिए नए सिरे से विज्ञापन जारी की जाएगी। वहीं राज्य सरकार के द्वारा कोर्ट को बताया गया है कि इन पदों पर नए नियम बनाने के बाद एक बार फिर से इसके लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। कोर्ट ने उपरोक्त आदेश के साथ याचिका को निष्पादित कर दिया। पटना एम्स में इलाज करवाने आने वालों को नीतीश कुमार का बड़ा तोहफा। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समाधान यात्रा का अंतिम दिन था। ऐसे में वो बीते दिन बेगूसराय और पटना पहुंचे थे। वहीं पटना में उन्होंने समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिया कि पटना एम्स में आने वाले मरीजों के 500 परिजनों की ठहरने की व्यवस्था की जाए, जिसके लिए सरकार की ओर से पटना एम्स को 25 एकड़ अतिरिक्त जमीन भी दी जाएगी। इसके साथ उन्होंने अधिकारियों को कहा कि उच्चतर शिक्षा के लिए महिलाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना का लाभ तेजी से उठाए, कोई भी छूटना नहीं चाहिए, इस पर विशेष निगरानी रखी जाए। इसके साथ ही बिहार की राजधानी पटना में स्वयं सहायता समूह का गठन करवाया जाए और उससे अधिक से अधिक जीविका दीदियों को भी जोड़ा जाए। बिजली मीटर से छेड़छाड़ का आरोप लगाने वाले 4 लोग गिरफ्तार। बिहार की राजधानी पटना में मीटर में छेड़छाड़ का आरोप लगाकर बिजली उपभोक्ताओं से जबरन वसूली करने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। बता दें कि यह मामला तब सामने आया जब इन 4 आरोपियों में से 3 आरोपी समनपुरा इलाके में मोहम्मद रिजवान नाम के एक शख्स के घर पहुंचकर कहा कि उनके बिजली मीटर में छेड़छाड़ हुई है और इसके लिए उन्हें 2.5 लाख रुपए जुर्माने के रूप में देने होंगे, जिसके बाद रिजवान को उन पर शक हुआ और उसने जुर्माना देने से मना कर दिया, जिसके बाद उनके बीच थोड़ी नोक झोंक हो गई। और जब उनसे उनकी पहचान दिखाने को कहा गया तो उसमें से एक पुलिस की वर्दी पहना युवक भागने लगा, जिसके बाद उन्हें पकड़ लिया गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया है, जिनकी पहचान मोहम्मद महफूज आलम, अक्षय दीप, ऋषि राज और पवन कुमार के रूप में हुई है। अग्निवीर अन्य की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव के संबंध में अधिसूचना जारी। अगर आप भी अग्निवीर सेना में भर्ती होने का ख्वाब रखते हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि बीते दिन से अग्निवीर सेना भर्ती के लिए पोर्टल खुल चुका है, जो कि 15 मार्च तक खुला रहेगा। सेना ने अग्निवीरों और अन्य की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव के संबंध में अधिसूचना जारी की है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार www.joinindianarmy.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि इस बार ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद लिखित परीक्षा पहले ली जाएगी, जो अप्रैल में आयोजित की जाएगी, और फिर सफल होने वाले अभ्यर्थियों को भर्ती रैली के लिए बुलाया जाएगा, जहां वे शारीरिक फिटनेस परीक्षण और शारीरिक माप परीक्षण से गुजरेंगे। शिक्षा विभाग ने 24 डीईओ से उपयोगिता और डीसी विपत्र मांगे। बीते दिन राज्य शिक्षा विभाग के द्वारा एक निर्देश पत्र जारी किया गया, जिसमें उन अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है जिन्होंने अब तक उपयोगिता एवं डीसी पत्र जमा नहीं किया है। बता दें कि विभाग की ओर से 24 जिलों का जिला शिक्षा पदाधिकारियों को डीसी विपत्र जमा करने का अनुरोध किया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा कार्य नहीं किया गया, जिसके बाद शिक्षा विभाग के द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि लंबित एवं जमा की गई उपयोगिता एवं डीसी विपत्र के मामलों विवरणी को 1 सप्ताह के अंदर कोषांग की ईमेल पर उपलब्ध कराया जाए।
समीर महासेठ, राज्य सरकार एक चौथाई खरीद स्थानीय वेंडरों से करेगी। बीते दिन गुरुवार को राज्य के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने वेंडर विकास कार्यक्रम सह औद्योगिक प्रदर्शन में कहा कि केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार की जरूरतों का एक चौथाई यानी कि 25% सामान की राज्य के स्थानीय वेंडरों से की जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से सहमति दे दी गई है और साथ ही इस पर पॉलिसी भी बना दी गई है। उन्होंने कहा कि इस नीति की घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगामी बजट सत्र में कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वेंडर विकास कार्यक्रम सह औद्योगिक प्रदर्शन का आयोजन PGCOIL के क्षेत्रीय मुख्यालय परिसर में MSME व पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बैनर तले किया गया था। बिहार मैट्रिक परीक्षा 2023 के तीसरे दिन 36 परीक्षार्थी हुए निष्कासित। बिहार में चल रही मैट्रिक परीक्षा में फर्जी छात्रों द्वारा परीक्षा देने के सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। बता दें कि बीते दिन बिहार मैट्रिक परीक्षा 2023 के तीसरे दिन राज्य भर से ऐसे 36 परीक्षार्थी को निष्कासित किया गया है जो फर्जी तरीके से परीक्षा देने परीक्षा केंद्र पर पहुंचे थे। इस दौरान बिहार के जिस जिला से सबसे ज्यादा परीक्षार्थियों को निष्कासित किया गया है वह जिला सारण है, जहां से 17 परीक्षार्थियों को निष्कासित कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीते दिन सामाजिक विज्ञान विषय की परीक्षा थी, वहीं आज के दिन दोनों पालियों में अंग्रेजी विषय की परीक्षा है। मालूम हो कि प्रथम पाली का समय 9:30 से 12:45 बजे तक है और दूसरी पाली 2 से 5:15 बजे तक है। बीबीसी पर आईटी रेड के बहाने मोदी सरकार पर सीएम नीतीश का निशाना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि पर आयोजित राजकीय समारोह में शामिल होने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सभी जानते हैं कि हमने कृषि विभाग में कितना काम किया है, अगर किसी को काम नहीं दिखाई पड़ता है तो फिर क्या किया जा सकता है। इसलिए इस तरह के बयान देने वालों के बयान पर आप सभी हमसे सवाल मत पूछिए, बल्कि वो चर्चा कीजिए जो हमारे द्वारा राज्य में कराया गया है। इसके साथ उन्होंने बीबीसी पर आईटी रेड के बहाने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आप लोग सोच सकते हैं कि ये लोग क्या करना चाहते हैं, इनकी कमी को जो भी दिखाएगा तो ये सभी उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तेज प्रताप यादव ने बागेश्वर बाबा पर किया तीखा हमला। बीते दिन बिहार के वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने राजद प्रदेश कार्यालय परिसर में संवाददाताओं से चर्चा करने के दौरान बाबा बागेश्वर पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि बाबा बागेश्वर भाजपा के लोग हैं, देश में सबसे ऊपर संविधान है, हम सब इसका सम्मान करते हैं। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा केवल देश में हत्या करवा रही है, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की सरकार है, इसलिए इनकी सरकार में युवाओं को लगातार सरकार की ओर से रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है, यहाँ रोजगार का राज है। उन्होंने कहा कि सभी धर्म के लोग आपस में भाई भाई हैं, हम लोग इसी सिद्धांत पर काम करते हैं, कोई आदमी कुछ करके देश की एकता को खंडित नहीं कर सकता। जीतन राम मांझी ने शराबबंदी पर कह दी ये बड़ी बात। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से बिहार में शराबबंदी को लेकर एक बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी से गरीब परिवारों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसलिए शराबबंदी में जो जेल जाने का प्रावधान है उसे हटा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर गरीब परिवार से कोई जेल चला जाता है तो उस सदस्य की परेशानी बढ़ जाती है, क्योंकि उनके परिवार में एक ही सदस्य कमाने वाले होते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल अभी जीतन राम मांझी गरीब जुड़ो यात्रा पर है। इस दौरान वह लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की यात्रा में लोग नीतीश कुमार से अपनी समस्याएं नहीं कह पाए थे, लेकिन मुझसे कह पा रहे हैं। प्रशांत किशोर का लालू यादव पर हमला। अपनी जनसुराज यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगले चुनाव में जनता समझ रही है कि नीतीश किस पार्टी के साथ होंगे। नीतीश कभी बीजेपी तो कभी आरजेडी के साथ चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि यहां परिवार के स्वार्थ की राजनीति होती है। लालू यादव अपने बेटे को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और यादव समाज से वोट करने को भी कहते हैं। यहां की जनता के पास बस दो ही पार्टी को वोट करने का विकल्प है, लालू की आरजेडी और मोदी की बीजेपी। नीतीश कुमार की तो अपनी कोई दल ही नहीं है, वो बस कभी बीजेपी तो कभी आरजेडी के साथ चले जाते हैं। बीजेपी को अगर बिहार में वोट मिल भी रहा है तो बस इसलिए क्योंकि लोग लालू के जंगलराज से बचना चाहते हैं। वहीं अगर बिहार में लालू को वोट मिल रहा है तो बस इसलिए क्योंकि मुस्लिम विरोधी पार्टी बीजेपी से बचा सके। सुशील मोदी का नीतीश कुमार पर हमला। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस कांग्रेस ने देश पर आपातकाल थोपा था, सेंसरशिप लगाई थी, सैकड़ों पत्रकारों को जेल में भेजा था, आज उसी की गोद में बैठकर जेडीयू बीबीसी के बहाने प्रेस के फ्रीडम पर छाती पीट रही है। उन्होंने कहा कि बीबीसी की कंपनी चीनी एजेंसियों के लिए प्रोपेगेंडा कंटेंट बनाती, उनकी निष्पक्षता अब वैसी नहीं रही जैसी 40 साल पहले थी। इसके साथ उन्होंने बीबीसी पर हो रहे छापेमारी को लेकर कहा कि ये चैनल भारत विरोधी रवैये को लेकर चल रहा है। बीबीसी पर चल रहे सर्वे की कार्रवाई से पीएम नरेंद्र मोदी पर बनी विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री से कोई लेना देना नहीं है।
बीसीसीआई के प्रमुख चयनकर्ता चेतन शर्मा ने पद से दिया इस्तीफा। चेतन शर्मा ने बीसीसीआई प्रमुख चयनकर्ता पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा पत्र बीसीसीआई सचिव जय शाह को भेजा, जिन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है। बता दें कि चेतन शर्मा का हाल ही में एक न्यूज चैनल ने स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसमें प्रमुख चयनकर्ता ने कई खुलासे किए थे। चेतन शर्मा ने इस दौरान सौरव गांगुली और विराट कोहली के बीच विवाद से लेकर खिलाड़ियों के फिट होने के लिए इंजेक्शन के उपयोग करने तक के राज खोले थे। चेतन शर्मा ने यह भी बताया था कि हार्दिक पांड्या कप्तानी के लिए उनसे घर पर मिलने आते थे। बीसीसीआई की तरफ से साफ हो गया था कि चेतन शर्मा के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, हालांकि उन्हें उनका पक्ष रखने का भी मौका जरूर दिया जाएगा, लेकिन उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी शुक्रवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए, इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.22 रुपए और डीजल 94.02 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.91 रुपए और डीजल 94.64 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.72 रुपए और डीजल 95.40 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.26 रुपए और डीजल की कीमत 94.97 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.40 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.04 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रवि कुमार राम, महेश दास, अमर आजाद, मोहम्मद नौशद राजा, गुड्डू कुमार गुप्ता, शंकर मुखिया, मोहम्मद सकीर हुसैन, राजेश कुमार राज, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, उमेश ऋषिदेव, जीवनाथ मंडल, हरिओम कुमार, कुश कुमार यादव, संजीव कुमार कौशल, रवि शंकर। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार फर्जी तरीके से परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों पर रोक लगाने के लिए सरकार को क्या क्या कदम उठाने चाहिए। आप अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना न भूले। धन्यवाद।